20s 30s में जो हमारे पहले मेरे परदादा जो थे स्वात के पहले वाली मियागुल अब्दुल वदूद बादशाह साहब, वो कैलकटा जा रहे थे, तो रास्ते में उनका क़याम राजस्थान के एक राजा के साथ हुआ। अब राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेगिस्तान ज़्यादा है, उधर गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ संगमरमर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी एक वो एक ठंडा असर देती है। चार पाँच दिन रहने के बाद जब वो निकले वहाँ से, तो उन्होंने उस जगह की बहुत ज़्यादा तारीफ की। वो कैलकटा भी चले गए, कैलकटा से जब वापस आए तो तीन चार महीने बाद वही राजा तो थे, तो उन्होंने ये संगमरमर भिजवाया और उसके साथ जो वर्कर्स थे उनको भी भिजवाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है, हवा बड़ी खुशगवार है, मौसम बहुत अच्छा है। अभी अक्टूबर का महीना है, अगर आप इसको अगर आप जून जुलाई के महीने में भी आएँ तो यहाँ पे ऐसा ही मौसम होता है कि आपको रात को ठंड लगती है। तो अभी 2-3 बजे का वक्त है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि आपको एक और शर्ट पहन लेनी चाहिए। असल में आखिरी बार जब जिसको ये लीज़ पर दिया गया था उनके साथ एक अग्रीमेंट हमारा हुआ था जिस पर हमने बहुत सॉफ्ट टर्म्स में किया था, हमने कराया बहुत नॉमिनल रखा था इस शर्त पे कि वो ठीक है अपना पैसा भी कमाएं होटल से, लेकिन ये भी है कि उस होटल की देखभाल भी करें। लेकिन वो अपना पैसा निकालते रहे, लेकिन होटल पे उन्होंने कोई पैसा इस्तेमाल नहीं किया और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उसमें। अब खैर हम उनके साथ लिटिगेशन में, और इंशाल्लाह जब भी ये पैलेस या ये होटल हमारे पास आ गया तो इंशाल्लाह जो इसका पुराना जिस तरह इसका जिस तरह इसमें फर्नीचर था, जिस तरह इसमें तस्वीरें थी, वो इंशाल्लाह हम उसी तरह इसमें रखाएंगे।